गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम हरप्रीत सिंह। आई एम ए लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। साढ़ा सब्जेक्ट चले आरएसी। अच्छा, आप एक रिपीट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, कंप्रेसर की काम करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसका टेंपरेचर ते प्रेशर इनक्रीज करता है रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, उन्होंने कंप्रेस करके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक अगर टाइप था। ठीक है, एक जो रोटरी होंगे रेसिप्रेटरी होंगे, एक दी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होंगे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देखो, द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वॉज डिजाइन एंड डिवेलप बाय डॉक्टर वेल्स एच कैरियर इन 1922। दिस कंप्रेसर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट टू ए हाई प्रेशर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज जनरली यूज फॉर रेफ्रिजरेंट दैट रिक्वायर लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड लो कंडेंसिंग प्रेशर सच एज R11 and R113. However, the refrigerant R12 is also employed for large capacity application and low temperature application. A single stage centrifugal compressor in its simplest form consists of impeller, which impeller hunda hai टू विच ए नंबर ऑफ करव वेन्स, जिस करव वेन्स होंगे आर फिटड सिमैट्रिकली एज शोन इन फिगर। देखो फिगर में देखो इंपैलर, ठीक है, ये वेन्स जो करव फॉर्म होंगे करव फॉर्म। ठीक है, द इंपैलर रोटेट इन ए एयर टाइट वेल्यूट केसिंग विद इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट। ठीक है, इतनी केसिंग होंगी है। ठीक है, द इंपैलर ड्रा इन ए लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द वेपरेटर। वेपरेटर जो लो प्रेशर वेपर होंदा है, व्हेन द इंपैलर रोटेट, जो रोटेट करता इंपैलर, इट पुश द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सेंटर टू द इंपैलर। वो पुश करता है वेपर रेफ्रिजरेंट नू फ्रॉम द सेंटर टू द इंपैलर, सेंटर तो इंपैलर वाल टू इट्स प्रेफरेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द हाई स्पीड ऑफ द इंपैलर लीव द वेपर रेफ्रिजरेंट एट ए हाई वेलोसिटी एट वेन टिप ऑफ द इंपैलर। द कनेटिक एनर्जी दिस अटेंड एट द इंपैलर आउटलेट इज कन्वर्टेड इंटू प्रेशर एनर्जी वैन द हाई वेलोसिटी वेपर रेफ्रिजरेंट पासिस ओवर द डिफ्यूजर। द डिफ्यूजर इज नॉर्मली ए वेनलेस टाइप, हैज इट परमिट मोर एफिशिएंट पार्ट लोड ऑपरेशन विच इज क्विट यूजल इन एनी एयर conditioning plant. The without casing collect the refrigerant from the diffuser and it further convert the kinetic energy into pressure energy before it leave the refrigerant to the evaporator. Note, in case of single stage centrifugal compressor, the compression ratio that an impeller can develop is limited to about 4.5, but when high compression ratio is desired, multi stage centrifugal compressor with intercooler are employed. The centrifugal compressor have no valve, which koi valve nahi lage hunde, piston and cylinder, na valve na piston and cylinder, sirf impeller hai jo rotate karda hunda. Theek hai, the only bearing parts are the main bearing. Main bearing ka hunda advantage or disadvantage centrifugal compressor over reciprocating compressor. Advantage ko, since the centrifugal compressor have no valve, piston, cylinder, connecting rod extra, therefore the working life of this compressor is more as compared to reciprocating, which koi valve nahi hunda, piston nahi hunda, cylinder nahi hunda, connecting rod nahi hunda, taan ki taan jo idi jehdi life aa oh zyada hundi hai reciprocating compressor naal. This compressor operate the little or no vibration, ch koi vibration nahi hundi, there are no unbalancing masses, ehde vich unbalancing masses nahi hunde. द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज क्वाइट एंड काम, शांत होता है। द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रन एट हाई स्पीड 3000 RPM तो अबव रोटेट करता है। ठीक है, देयर फॉर दीज कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर ना कनेक्ट होता सीधी, बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड दीज कंप्रेसर कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकल कंप्रेसर। The centrifugal compressor are specially adapted for system ranging from 50 to 5000 tons. They are also used for temperature range between minus 90 degree
Celsius and plus 10 degree Celsius. The efficiency of the AC compressor is considerably high. The efficiency is higher. The large size centrifugal compressor requires less floor area as compared to the reciprocator. Reciprocating compressor is large size centrifugal compressor requires cut area ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰੀਫਿਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਇਜ਼ ਸਰਜਿੰਗ ਇਟ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਬਿਲੋ 35% ਆਫ ਰੇਟਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਸ ਸੇਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਰ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦ ਸੈਂਟਰੀਫਿਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਿਲੋ 50 ton capacity load. The refrigerant used with these compressors should have high specific volume. Okay, thank you.